तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फॉरवर्ड रिवर्स होता है, फॉरवर्ड रिवर्स का जो स्टेटस होता है उसका कंट्रोल डायग्राम कैसे काम करता है, कंट्रोल सर्किट कैसे काम करता है, उसका बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, ये मैं एक सिंगल लाइन का डायग्राम बना के रखा हूँ। ये हो गया आपका नेगेटिव न्यूट्रल है, ये हो गया आपका एच, ठीक है। ये इसमें मैं एक ओवरलोड रिले का इनपुट करके रखा हूँ। ये आपका एक पुश बटन, यहाँ पे एक पुश बटन, दो पुश बटन हो गया। ये हो गया आपका कॉन्टैक्टर, ये हो गया दो, ये तीन, ये तीनों कॉन्टैक्टर है, ठीक है। तो अभी कौन सा क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये हो गया आपका मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, तो इसके साथ साथ ये हो गया आपका रिवर्स कॉन्टैक्टर, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका रिवर्स स्विच, और ये वाला जो हो गया आपका फॉरवर्ड स्विच है, ठीक है। पुश बटन जो होता है फॉरवर्ड, पुश बटन, ये हो गया रिवर्स पुश बटन। न्यूट्रल को मैं क्या करके रखा हूँ, न्यूट्रल को कॉमन दे लिया। जो ये आपका जो हो गया कॉइल सप्लाई, जो हो गया तीनों कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई में मैं इसका जो ए टू पॉइंट है, ए टू पॉइंट में मैं इसको इनपुट करके रखा हूँ, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, अभी ये हो गया आपका फैच है, तो ये हो गया आपका फैच। तो फैच से क्या करेंगे हम लोग, फैच से हम लोग फैच से लेके आया फैच से। तो इसके बाद मैं क्या किया, उसका पहले ही मैं एक ओवरलोड रिले दे दिया हूँ जो प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो अगर इनके जब ओवरलोड आएगा तो ये ट्रिप पर जाएगा, तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक तो आया, ठीक है। अभी हम लोग सप्लाई कैसे थ्रू होता है वो बात करेंगे। यहाँ से सप्लाई आया यहाँ तक, यहाँ से क्या होगा, ये ओवरलोड रिले एन सी है हमेशा, तो ये एन सी होकर यहाँ तक तो आया, ठीक है। तो यहाँ से ये सब बस बार है, यहाँ सब पूरा सप्लाई है, यहाँ तक सब सप्लाई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉरवर्ड स्विच है इसको मैं प्रेस कर दिया, ठीक है। प्रेस करने के साथ साथ क्या होगा, सप्लाई यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो आके क्या होगा, ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये अगर इनके क्लोज हो गया तो यहाँ तक तो भी आ सकता है सप्लाई। तो ये भी ऑलरेडी एन सी है, तो फॉरवर्ड वाला काम करेगा। और उस टाइम क्या होगा, फॉरवर्ड वाला काम करने के साथ साथ फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और ये मेन कॉन्टैक्टर प्लस फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर दोनों मिलकर क्या होगा, करेगा मोटर को फॉरवर्ड फॉरवर्ड घुमाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो गया, ये आपका रिवर्स, रिवर्स क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का एनसी है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जब एनसी हो जाएगा तो ये क्या होगा, एन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसको ऑन करने से भी सप्लाई यहाँ तक तो आएगा, इसके आगे पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से काम करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको मैं बंद कर दिया, तो इसमें मैं स्टॉप बटन नहीं, स्टॉप पुश बटन नहीं बनाया हूँ, तो उसको भूल गया मैं बनाने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, वो स्टॉप करना है। ये अगर स्टॉप हो गया तो स्टॉप होने के साथ साथ फिर ये रिसेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक सप्लाई आएगा, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई है, अभी हम लोग रिवर्स चलाएंगे। रिवर्स जब ऑन करते हैं, इसको ऑन करने के साथ साथ क्या होगा, इस तरफ सप्लाई आएगा, ठीक है। इस तरफ आने के साथ साथ ये सब में भी सप्लाई आएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन चाहिए। वो जब तक ऑन नहीं होगा तब हम लोग का मोटर घूमेगा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करके रखा हूँ, इसमें एक रिवर्स कॉन्टैक्टर का क्या, एक एनो पॉइंट करके रखा हूँ। ये जब ऑन होगा तो ये जो रिवर्स कॉन्टैक्टर जब क्लोज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये सर्किट भी क्लोज हो जाएगा। तो ये चलेगा, ये कट, ये आके यहाँ आके ये चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा, ये क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये रिवर्स का आपका क्या है, रिवर्स का जो इंटरलॉकिंग दिया हुआ है, रिवर्स क्या होगा उस टाइम होगा, रिवर्स वाला ये उस टाइम एन सी से एनओ हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, तब यहाँ तक सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका मेन चलेगा, इसलिए इसको लगा के रखा हूँ। तो जब इसको छोड़ देते हैं तो ये यहाँ से होके ये बाईपास मोड होके चलेगा यहाँ से, और ये वाला यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से फॉरवर्ड रिवर्स आपका जो कॉन्टैक्टर होता है, पावर, ये कंट्रोल डायग्राम है, कंट्रोल सर्किट ऐसे काम करता है। थैंक यू, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी हिसाब से अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।